इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूमेरिक टेक्स्ट डाटा की फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे। न्यूमेरिक टेक्स्ट डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर ओपन करना होगा। स्टूडेंट 6 के नाम से जो फाइल हमने सेव करके रखी है वो हम ओपन करते हैं। फाइल के मेन्यू पर गए, ओपन, स्टूडेंट्स फाइल्स, और ये स्टूडेंट्स 6 के नाम से हमने फाइल जो है सेव करके रखी है, इसे हम ओपन करते हैं। और ये आपके सामने स्टूडेंट 6 के नाम से फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसे डिफरेंट फॉर्मेट्स देना सिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये 10 यहाँ पर अगर हम डॉलर साइन साथ लगाना चाहते हैं तो सिंपली हमें ये 10 वाले सेल पर क्लिक करना होगा जहाँ 10 लिखा है, साथ में हम डॉलर साइन, ये जो आपके सामने टूल बार्स में नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ चुका है, डॉलर साइन आपके साथ आ चुका है सेल के, और साथ में 00 ऐड हो चुका है। ये कैसे ऐड हुआ है वो आपको सेल की फॉर्मेटिंग करेंगे जब आप, तो फिर आपको पता चलेगा। तो हम फॉर्मेटिंग करते हैं, ये डॉलर साइन इससे ख़त्म कर देते हैं, ये सिंपली यहाँ से डॉलर साइन को रिमूव कर देते हैं कंट्रोल जेड दबाकर। और ये आपके सामने ये वाला जो आपने डॉलर साइन दिया था टेक्स्ट को, वो आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम फॉर्मेट के मेन्यू पर जाते हैं, फॉर्मेट सेल्स, और ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो ये वाला फॉर्मेट सेल्स का मेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, और जो भी ऑप्शंस हैं ये आपको फ्यूचर लेसन्स में बताए जाएंगे। फिलहाल आपको नंबरिंग को फॉर्मेट करना सिखाते हैं। तो ये आपके सामने कैटेगरीज आ चुकी हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू रखती हैं डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले जो जनरल है, सिंपल, अगर 10 लिखा हुआ तो ये आपके सामने जनरल फॉर्मेट है। नंबर फॉर्मेट्स, तो नंबर में वो आपको बताता है कि आपने 10 के बाद अगर कोई भी साइन आपने रखा है या फिर कोई भी नोमेरिक डाटा रखा है उसके बाद आप कितने ज़ीरो लगाना चाहते हैं, 1 0 2 0, ये देखिएगा ज़ीरो, हम कहते हैं ज़ीरो, कोई ज़ीरो ना हो, फिर 2 0 भी लगा सकते हैं, 1 0 भी लगा सकते हैं। अगर हम 2 0 करके ओपन कर ओके करते हैं तो ये देखें आपके सामने 10.00 फॉर्मेट। फिर सेल्स के मेन्यू पर गए और सिंपली हम इसे ये देखें 2 0, और ये आपके सामने यूज़ 1000 सेपरेटर। 1000 सेपरेटर क्या है ये आपको समझाते हैं। ये यहाँ पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, और यहाँ पर अगर हम 1000 कर देते हैं टेक्स्ट, तो ये देखिए आपके सामने 1000 सेपरेटर आ चुका है नीचे। ये आपके सामने, ये जो आपके सामने कॉमा आया है ये 1000 सेपरेटर कहलाता है। तो फिर हम फॉर्मेट के मेन्यू पर गए, सेल्स, ये आपको नंबर्स का भी पता चल चुका। करेंसी, करेंसी के आपके आपने एक करेंसी साइन कौन सा रखना है, मिसाल के तौर पर आप डॉलर साइन रखना चाहते हैं, जो भी साइन आप रखना चाहते हैं, हम डॉलर पर क्लिक करके ओके करते हैं, तो ये आपके सामने डॉलर भी साथ में आ चुका है इस तरीके से। फिर हम फॉर्मेट के मेन्यू पर गए, ये हम इसी तरह रहने देते हैं, ये वाले 10 पर क्लिक करके आपको समझाते हैं। सेल्स, डेट, डेट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट इंसर्ट करने के, इसी तरह टाइम इंसर्ट करने के, परसेंटेज साइन इंसर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक डेसिमल प्लेसेस आप देख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट भी आप इसे, इसको 10 को 10 ही लिखा रहेगा लेकिन ये फॉर्मेट जो होगा टेक्स्ट होगा। हम ओके करते हैं तो ये देखें आपके सामने टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो लेफ़्ट साइड पर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ये भी लेफ़्ट साइड पर ही चला जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो फॉर्मेटिंग कर दी है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दी है। ये देखिएगा, अब हम ये इन आपको समझाते हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्यों हुई है, इसका मकसद क्या है, वो जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर से हम फॉर्मेट के मेन्यू पर गए, सेल्स, और दोबारा से जनरल कर देते हैं इसे, ये स्पेशल, जिप कोड भी आप लगा सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आप लगा सकते हैं, कस्टम, कस्टम यानी अपनी मदद से आप खुद से आप कोई भी चीज़ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई तरीके से। तो हम जनरल पर जाते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये फिर से जनरल हो चुका है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप न्यूमेरिक डाटा को डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।